कोलकाता से छुट्टी लेकर हम जा रहे हैं झाड़ग्राम की तरफ। स्ट्रेस भरी लाइफ से 2 दिन की छुट्टी लेकर छुट्टियां मनाने की आइडियल प्लेस है ये झाड़ग्राम। हम लोग जा रहे हैं बाय कार से। हम पहुंच गए झाड़ग्राम राजबाड़ी में, पर हम लोग अभी झाड़ग्राम राजबाड़ी में नहीं जाएंगे। हम लोग रुकने वाले हैं झाड़ग्राम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में, जो इसके पास में ही है। हम आज रात वही रहने वाले हैं। चलिए चलते हैं राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में। झाड़ग्राम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में है बहुत छोटा छोटा कॉटेज। उस कॉटेज में मिलता है 2 रूम, उस जिसका रेंट है पर डे 1600। हम लोग एक कॉटेज ले लेंगे। तो चलिए हम अभी राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का साइट सीन उपभोग करते हैं। हम लोग रह रहे हैं राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में। ये राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रात को कैसा लगता है ये भी हम देखते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ देख लीजिए राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का रात का कुछ साइट सीन। Thank you.
व्हाइट मुस्टैंडा के साथ ये येलो लाइट बहुत ही सुंदर लग रहा है और भी इस जगह को एनहेंस कर रहा है। कल रात को हम लोग कोलकाता मुंबई हाईवे से खड़गपुर होके मिदनापुर होके हम लोग झाड़ग्राम पहुँचे हैं। झाड़ग्राम कोलकाता से अराउंड 200 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन झाड़ग्राम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पे आए हैं। यहाँ पे एकोमोडेशन का सब तरह का बंदोबस्त है और हावड़ा से भी बहुत सारा ट्रेन आता है जो मैक्सिमम 3 से 3.5 घंटा लेता है। राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में जो कैंटीन है वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट खत्म करके निकलेंगे झाड़ग्राम राजबाड़ी देखने के लिए। चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हम लोग अभी झाड़ग्राम राजबाड़ी के प्रवेश द्वार पे खड़े हैं। यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोग अभी अंदर जाएंगे झाड़ग्राम राजबाड़ी देखने के लिए। आप लोगों को एक जानकारी दे दे, यहाँ राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में जो लोग का एकोमोडेशन है वो लोग ही सिर्फ यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाहर का किसी को भी यहाँ पे एंट्री करना अलाउड नहीं है। झाड़ग्राम स्टेशन से राजबाड़ी की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। राजबाड़ी कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नक्शे के आधार में निर्मित हुआ था। 1922 साल में शुरू हुआ था, 1931 में खत्म हुआ था। राजा सर्वेश्वर सिंह चौहान ये राजघराना का निर्माण किए थे। वो एक राज्य के भी निर्माण किए थे जिसका कैपिटल था झाड़ग्राम। अठारह जन राजाओं ने मिलकर ये राजघराना का चालना किए थे 400 साल तक। सत्तर बीघा जमीन के ऊपर ये राजबाड़ी का निर्माण हुआ था। इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। झाड़ग्राम राजबाड़ी का पूरा इतिहास यहाँ से हम लोग जान सकते हैं। 1931 में ये बना हुआ था और मुस्लिम और यूरोपियन आर्किटेक्चर मोड से ये बना हुआ है। सामने का पोर्शन जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और रॉयल फैमिली जो है ये लोग मिलके चलाते हैं, एकोमोडेशन भी देते हैं। और पीछे का पोर्शन है पूरा आपका रॉयल पैलेस जो पीछे की तरफ है, जो बिल्ड हुआ था 350 साल पुराना। ये जगह रहने देता है। ये झाड़ग्राम राजबाड़ी के अंदर है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक ऑर्गेनिक टी गार्डन भी है। ये राजबाड़ी के अंदर मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है और अंदर शिव का भी मंदिर है। अभी तो फिलहाल बंद है पर ये दोपहर को खुलता है।
আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল টুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে আমাদের যে টুরিস্ট লজ আছে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি টুরিস্ট কমপ্লেক্স তার ম্যানেজার কথা বলেছি। আমাদের এখানে লজিং এবং ফুডিংয়ের ব্যবস্থা আছে। আপনি আমাদের 22টা রুম আছে, আমাদের বুকিংটা করতে হয় wbtdcl.com থেকে। আমাদের রুম সংখ্যা হচ্ছে 22 এবং বিভিন্ন প্রকারের ফুড আমরা সাপ্লাই করি। আপনারা আমাদের আসা যে আপনারা আসুন। রুমের চার্জ কত? 600 টাকা ডাবল বেড। আচ্ছা, এর উপর কি জিএসটি চাপবে? এর উপরে জিএসটি আছে। আর রুমেতে কি খাবার সার্ভিস আছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কোনো বার বা অ্যালকোহল পাওয়া যায় কি? বাইরে থেকে এনে রুমে কি কেউ খেতে পারে? এখানে কোনো প্রাইভেশন নেই। এবং আমরা যেটা দেখি কাস্টমারকে সবচেয়ে বড় জিনিস সেটা হচ্ছে ফিশিং ফেসিলিটি। আপনি এসে 1-2 ঘন্টা আমাদের কাছ থেকে ছিপ নিয়ে ফিশিং ফেসিলিটি করতে পারেন। মানে কোথায়? এই এই পুকুরে? আর মাছের দাম দিতে হয় নাকি? কোনো চার্জ নেই না। আমরা কুকিং করলে বা কাটিং করলে তার একটা পয়সা ওই তাদেরকে দিতে বলি, যাতে তারা যারা মাছ কেটে দেয় বা করে দেয় তাদের একটা চার্জ নেই। পুকুরে কি মাছ আছে? সব আছে, ওই কাতলা। বড় মাছের ওজন কত হতে পারে? বড় মোটামুটি 2 কেজি। মানে 2 কেজি মাছ ধরলো নিয়ে গেল, আপনি কোনো চার্জ নেবেন না? বাহ, এটা একটা গুড ইনফরমেশন পেলাম, এটা আমরা দর্শকদের এটা দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ ঘটকবাবু, নমস্কার। এটাও বোধ হয় ওয়েবসাইটে আপনারই ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, বুকিংয়ের আগে আমি কথা বলেছিলাম আপনার সাথে। ওকে, থ্যাংক ইউ।